नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बिहार में भाजपा की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि FATF से डरा पाकिस्तान, इमरान खान को सता रहा है ब्लैकलिस्ट होने का दर्द। जी हां दोस्तों, और ब्लैकलिस्ट होने को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी बात कही है पाकिस्तान ने, बताएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जापान के सत्तारूढ़ पार्टी चुनेगी शिंजो आबे का उत्तराधिकारी, बताएंगे कब होने वाला है ये सारा प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी यूट्यूब को मिला है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस बात को लेकर चेतावनी दी गई है। साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका में गिरफ्तार हुआ चीनी शोधकर्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको सारी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही अगर आपका भी राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है और राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की अवधि को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर में चलने से पहले आपको बता दें कि अमित शाह को अस्पताल से जल्द मिल सकती है छुट्टी। एम्स ने कहा है कि स्वस्थ हो चुके हैं पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अच्छी खबर आ रही है बीजेपी के लिए और भाजपा को चाहने वालों के लिए दोस्तों। ऐसे में दोस्तों, अगर आपने भी उनके अच्छे हेल्थ की कामना की थी तो आप कमेंट सेक्शन में उनको बधाई जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, उनके अच्छे हेल्थ के लिए। तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों कि FATF से डरा पाकिस्तान, इमरान खान ने कहा कि ब्लैक लिस्ट हुआ तो बर्बाद हो जाऊंगा। जी हां दोस्तों, आतंकवाद का आका कहे जाने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की कार्यवाही को लेकर बेहद डरा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि यदि पाकिस्तान को FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट लिया किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और पाकिस्तानी करेंसी को गिरावट का सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया जाता है तो उसकी स्थिति ईरान की तरह हो जाएगी, कोई हमसे डील नहीं करेगा, कोई भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हमारा साथ नहीं देगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी तरह से डरे हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म करने से पहले पाकिस्तान नहीं सोचता है लेकिन कर्म के फल को पाने से डरता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइएगा जरूर दोस्तों। साथ ही एक और खबर की माने तो जापान से खबर है कि सत्तारूढ़ पार्टी चुनेगी शिंजो आबे का उत्तराधिकारी, 15 सितंबर को बैठक बुलाई गई है इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान की यूट्यूब को चेतावनी, कहा आपत्तिजनक वीडियो को हटाएं, आदेश ना मानने पर होगी बड़ी कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि देश में यूट्यूब को कंटेंट प्रसारित करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दरअसल कुछ संगठनों द्वारा कहा गया है कि यूट्यूब पर कई वीडियो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं कुछ संगठनों का कहना है कि इस पर कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के एक इस्लामी राष्ट्र होने की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान ने यूट्यूब को एप्लीकेशन लिख के भेजा है कि वो यूट्यूब से आपत्तिजनक वीडियो को हटा दें। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी वीडियो आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई दिखाने वाले वीडियो भी पाकिस्तान को लगता है कि वो आपत्तिजनक वीडियो है, जो कि अन्य देशों के लिए एकदम सही वीडियो होता है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए यूट्यूब पर से वीडियो हटवाने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, क्या यूट्यूब को वो वीडियो हटाने चाहिए जिस पर पाकिस्तान की आलोचना हुई है, बताइएगा जरूर हाँ या ना। एक और खबर की माने तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर भारत कर सकता है वैश्विक नेतृत्व। जी हाँ दोस्तों, विश्व निकाय के प्रमुख एंटोनियो गुटारेस ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही को लेकर
कर भारत को सबसे बड़ा मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि संसाधनों की स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में भारत एक वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, कोरोना वायरस और जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया में बुनियादी सवाल उठाए हैं। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के एक वर्चुअल कार्यक्रम में गुटारेस ने कहा, भारत यदि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से नवीकरणीय ऊर्जा पर अपनी गति को तेज कर देता है तो वो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर पाने की दिशा में सही मायनों में वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत की अन्य देशों में भी और यूएन में दोस्तों खूब तारीफ होती है। ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ चीनी शोधकर्ता, व्यापार से जुड़ी गुप्त जानकारी चुराने का लगा है आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अधिकारियों ने एक चीनी नागरिक को व्यापार से जुड़ी गुप्त जानकारी को चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्जीनिया विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ता है। जब वो चीन जाने वाले विमान में बैठने की कोशिश कर रहा था उस समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम हाइजो हु है और वो 34 साल का है। न्यायिक विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि चीनी नागरिक पर प्राधिकरण की इजाजत के बिना किसी कंप्यूटर तक पहुंचने या संरक्षित कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने और व्यापार रहस्यों की चोरी करने के आरोप। ऐसे में दोस्तों उनको 20 साल तक की सजा दी गई है। और आपको बता दे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि किसी भी अन्य देश के नागरिक, खास करके चाइनीज नागरिक, अगर किसी तरह का कोई भी डेटा या किसी भी तरह की सेंसिटिव सूचनाओं को चुराने की कोशिश करता है तो उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या चाइनीज चोर होते हैं दोस्तों जो इस प्रकार के दूसरों की सूचनाओं को चुराते हैं? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो जो बाइडेन और कमला हैरिस का ट्रंप पर हमला, कहा उन्हें राष्ट्रपति पद की समझ नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से कटाक्ष करना चाहेंगे जो बाइडेन और कमला हैरिस का, बताइएगा जरूर। क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच में एक प्यार भरा स्थापित किया है दोस्तों, ये बिना समझ वाले राष्ट्रपति की बस की तो बात हो नहीं सकती। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को फैसला सुनाएगा। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तानी सेना में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा, पूर्व जनरल ने कई देशों में ऐसे खड़ा किया एम्पायर। जी हां दोस्तों, आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सेना में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनरल पूर्व असीम सलीम बाजवा ने सेना में रहने के दौरान खूब पैसा कमाया। उनके परिवार के पास 133 रेस्टोरेंट और 99 कंपनियां हैं। इतना ही नहीं, उनका कारोबार कई देशों में फैला हुआ है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो बिहार से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी कार्यालय पर बिहार के पार्टी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर वर्चुअल बैठकों का दौर जारी है। कोरोना के बावजूद पार्टी लगातार चुनाव की तैयारियां कर रही है। बीते दिन पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिजिटल माध्यम से बिहार भाजपा कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित किया। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप बिहार में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों, बीजेपी की या किसी अन्य पार्टी की? बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं बीजेपी तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए आपके अनुसार, या फिर दोबारा से नीतीश कुमार को ही बनाना चाहिए? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो बीमारी से परेशान शिंजो आबे के इस्तीफे पर ट्रंप ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मद्देनजर अपना पद छोड़ने पर दुख जताया है। ट्रंप ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि मैं जापान के प्रधानमंत्री और मेरे मित्र शिंजो आबे को अपना सर्वोच्च सम्मान देता हूँ। हमारी घनिष्ठ मित्रता है और उन्होंने जिन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया उससे मैं व्यथित हूँ। वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने जिस परिस्थिति में अपना इस्तीफा सौंपा है उसकी मैं अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहा। वो एक महान इंसान है और मैं उन्हें अपना सबसे अधिक सम्मान देता हूँ। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी बात कही गई है। और आप शिंजो आबे के इस्तीफे को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर सद्भावना वाली 2 बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने किया बड़ा फैसला, शिक्षकों के वेतन में की 15% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार
कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। नीतीश सरकार ने शनिवार को शिक्षकों की वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया। इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि ये वृद्धि अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले सत्र में लागू होगी। ऐसे में दोस्तों, आप इस फैसले का कितने प्रतिशत से सहमति दर्शाते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो रिश्तों की नई उड़ान को लेकर इजराइल ने यूएई के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट पर लगाई मुहर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की एल ऑल एयरलाइंस 31 अगस्त को अबू धाबी के लिए उड़ान संचालित करेगी, जो इजराइल से संयुक्त अरब अमीरात के लिए पहली व्यावसायिक यात्री उड़ान होगी। इससे पहले दोनों देशों ने रिश्ते सामान्य करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता से समझौता किया था। इजराइल विमान पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर शुक्रवार को उड़ान को सूचीबद्ध किया गया। ऐसे में दोस्तों, आप इजराइल और यूएई के रिश्तों की उड़ान और पहली उड़ान कह सकते हैं दोस्तों। इसको लेकर अगर आप भी खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों इन दोनों देशों को। एक और खबर की माने तो पुतिन ने रूस के वैक्सीन को बताया सुरक्षित और प्रभावी, भारत में हो सकता है इसका उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने स्पुतनिक वी टीके की तारीफ करते हुए इसे पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी बताया है। 2 महीने में कुछ दर्जन लोगों पर परीक्षण के बाद अप्रूव किए जाने की वजह से हो रही आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए पुतिन ने कहा कि दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन को नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मंजूर किया गया। ये नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इस बीच खबर है कि टीके के उत्पादन के लिए रूस और भारत में बातचीत चल रही है। ऐसे में दोस्तों, आप कितने सहमत है रूस के इस वैक्सीन से और आपको क्या लगता है कि दोस्तों ये वैक्सीन सच में वैक्सीन है या फिर अभी भी मजाक ही चल रहा है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भारत ने यूएन में पेश किया शांति सेनाओं में महिला भागीदारी बढ़ाने का संयुक्त प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें यूएन शांति सेनाओं में महिलाओं जवानों को पूर्ण प्रभावी और अर्थपूर्ण भागीदारी करने का मौका देने की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत सबसे ज्यादा जवान भेजने वाले देशों में से एक है। ऐसे में दोस्तों, आप भी अपने भारत देश के जवानों को बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अनलॉक 4 की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। आपको बता दें कि 1 सितंबर से क्या क्या खुलेगा और किस पर लगेगी रोक। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 को लेकर शनिवार को जारी गाइडलाइन में कोरोना को लेकर लगे देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। अब राज्य जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मर्जी से नहीं लगा पाएंगे, तो वहीं मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार की शाम को अनलॉक 4 की घोषणा करते हुए मेट्रो, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई है दोस्तों। हालांकि 21 सितंबर से यह आदेश प्रभावी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए अधिकतम 100 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद पड़ी मेट्रो सेवा को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन केंद्र ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अनलॉक 4 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अनलॉक 4 के इन नए गाइडलाइंस को आप कितने प्रतिशत अंकों के साथ सहमति दर्शाते हैं बताइएगा जरूर दोस्तों। और आप लोगों को क्या लगता है कि अनलॉक 4 में और किस प्रकार की छूट देनी चाहिए थी या ये छूट नहीं मिलनी चाहिए थी, बताइएगा जरूर लिखकर दोस्तों। अगर आपको भी किसी चीज से इसमें प्रॉब्लम है तो बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो कमला हैरिस का कहना है कि सत्ता में आए तो पेरिस समझौते और ईरान परमाणु समझौते में फिर से शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन पर क्यों हो रहा है विवाद, इमाम ने हराम बता मुस्लिमों से नाकिल लगवाने की अपील। जी हां दोस्तों, बता दें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित किए जा रहे कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसकी तकनीक की वजह से कई धार्मिक नेता इसके विरोध में आ गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के एक नए इमाम ने इस वैक्सीन को हराम बताते हुए मुसलमानों से इसे ना लगवाने की अपील की है। सुफियान खलीफा ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए अपने फॉलोअर से यह अपील की। ऐसे में दोस्तों, आप किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के इमाम
हमको जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इस वैक्सीन को लेकर, जरूर बताइएगा। जो वैक्सीन जिंदगी बचाने के लिए बनी है उसको लगवाने से इमाम मना कर रहे हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज फिर से खोलने की है तैयारी। देश में कोरोना से अब तक 6,284 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो एक्सक्लूसिव जी न्यूज का दोस्तों रिपोर्ट है कि रिया चक्रवर्ती ने चुराया था सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन। जी हां दोस्तों, ये बड़ा खुलासा जी न्यूज की ओर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से पूरे देश में खलबली मच गई है, जिसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत का डेबिट कार्ड का पिन चुराया था। सूत्र ने बताया है कि रिया ने सैमुअल मिरांडा की मदद से सुशांत का डेबिट कार्ड पिन हासिल किया था। ऐसे में दोस्तों आप सुशांत सिंह केस में किसको सबसे बड़ा दोषी मानते हैं? दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन इसका गुनहगार है सुशांत के मौत का, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं आप लोगों का अंदाजा कितना सही है। एक और खबर की माने तो सपा सांसद आजम खान के हमसफर रिसॉर्ट पर चलेगा बुलडोजर, योगी प्रशासन ने बताया अवैध निर्माण। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद के 3 सहयोगियों को सजा सुनाई है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिली सुरंग, रेत से भरी बोरियों पर पाकिस्तान की गई है मार्किंग। ऐसे में दोस्तों ये पाकिस्तान की ओर से बड़ी साजिश देखी गई है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जापान में देखने को मिली उड़ने वाली कार, जल्द आसमान में गाड़ी चलाएंगे लोग। जी हां दोस्तों, हॉलीवुड अभिनेता रॉबिन विलियम्स की 1997 की फिल्म फ्लावर में उड़ने वाली कार का एक दृश्य है। आपको बता दें कि ये फिल्म वाली कार अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जापान की स्काई ड्राइव ने एक व्यक्ति के साथ अपनी उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फोटो में। एक और खबर की माने तो स्वीडन में दक्षिण पंथी कार्यकर्ताओं ने कुरान की प्रति जलाई, भड़क उठा है दंगा इसको लेकर। जी हां दोस्तों, स्वीडन में इस्लामी विरोधी गतिविधियों की वजह से दंगा भड़क उठा है। दरअसल दक्षिण स्वीडन के माल्मो शहर में 300 लोग इस्लाम विरोधी गतिविधियों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। बताया जा रहा है कि पहले दिन में दक्षिण पंथी चरम पंथियों द्वारा कुरान की प्रति को जलाया गया था, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। इसके बाद दंगा इस कदर भड़का कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके और कार के टायर में आग लगा दी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका में 2019 में 48% विदेशी छात्र चीन और भारत के थे। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक और खबर की माने तो ट्विटर का बड़ा फैसला, कॉपी पेस्ट ट्वीट पर लगाएगा लगाम। जी हां दोस्तों, जो लोग कहीं से ट्वीट को उठा करके अपने में कर देते हैं दोस्तों, इसको लेकर ये बड़ा लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है ट्विटर की ओर से। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 39 लोगों की मौत, कराची पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो बढ़ सकती है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की अवधि, मंत्रालय कर रहा है इस पर विचार। जी हां दोस्तों, खाद्य मंत्रालय एक राष्ट्रीय राशन कार्ड पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की अवधि को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बनी एक अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन समय सीमा के विस्तार की समीक्षा और मंजूरी के लिए बुलाई गई थी। इसी प्रबंधन प्रणाली के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू किया जाएगा। साथ ही आपको बता दे दोस्तों कि अभी लेटेस्ट में जिन लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर हुए दोस्तों। आप दोबारा से इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ध्यान रहे कि जो लोग जेन्युइनली बीपीएल में है या फिर गरीब है दोस्तों, उन लोगों के लिए है, तो कृपया करके धोखाधड़ी की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, और आप दोबारा से इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। एक और खबर, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका कैंसिल हुआ है राशन कार्ड, जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए।